जोहार एंड प्रणाम मेरे वीडियोस देखने वाले सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को। तो मैंने कल चाँद मुनि हेमब्रम के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी थी, तो उस वीडियो का क्रेडिट जो है वो जाता है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उसी ने ही मुझे मोटिवेट किया था कि तुम्हें बनाना चाहिए, मतलब वीडियो क्यों बनाना चाहिए वो भी मैं आगे आप सबके संग शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो पहले वीडियो का क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया। तो आज हम लोग बात करेंगे टोनी कक्कर और नेहा कक्कर को जिस ट्वीट पे टैग किया गया था वहाँ पे जो चाँद मुनि के लिए एड्रेस लिखा गया था वो गलत था, क्योंकि चाँद मुनि वेस्ट बंगाल की है, वहाँ का ही हुगली डिस्ट्रिक्ट है। उस हुगली डिस्ट्रिक्ट का खन्यान बोल के एक जगह है, उस जगह का मोल्टी एक गांव है, उस गांव की लड़की है चाँद मुनि हेमब्रम। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे कैसे मालूम इतना कुछ, क्योंकि मैं भी उसी जगह से बिलोंग करती हूँ। उसका गांव मेरा गांव पड़ोसी गांव है, और उससे भी बढ़कर है मेरे घर के सामने एक मामा है, मामा रहते हैं, वो मामा ही उसे तालीम फ़िलहाल दे रहे हैं, क्योंकि मामा का जितना भी गाना को लेकर नॉलेज है, क्योंकि हम लोग सांवताली लोग हैं तो संताली होकर जो गाना होना चाहिए वो मामा दे रहे हैं तालीम। लेकिन इसके बाहर भी उसका जो टैलेंट ग्रो करना चाहिए, तो हम लोग आशा करेंगे कि उसे फ्यूचर में जाके हेल्प मिले या फिर किसी से गाइड मिले, तो वो टैलेंट ज़रूर 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 देखने का हम लोग आशा करते हैं। हमारे संताली कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं लेकिन गरीबी के कारण अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन इसके संग ये ना हो, गरीबी पीछे हो जाए और ये टैलेंट दिखा सके। ये सुनते हैं चाँद मुनि के आवाज़ से एक हिंदी सॉन्ग, जो सुन के आप लोग बोलेंगे कि नहीं, सच में ही टैलेंटेड है ये लड़की। आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे व्यूज़ दिए, बहुत सारे लाइक दिए, क्योंकि मुझे इतने लाइक्स पहली बार मिले हैं और इतने व्यूज़ भी मुझे पहली बार ही मिले हैं। तो सबको इसके लिए दिल से बहुत 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 शुक्रिया।